अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज आयशा ने पोलियो के कतरे पिए हैं। दिखाओ आयशा, पोलियो के कतरे के निशान दिखाइए, निशान दिखाओ। ये देखें भाई, आयशा पढ़ रही हैं अभी। आप देखो, बाबा भी आ गए। बाबा, बेटी क्या हुआ? मेरी बेटी को किससे क्या किया? कौन है? अम्मा ये क्या लगा दी है? अम्मा ये नेल पॉलिश लगाई है भाई इसने। अम्मा ये कौन सा कारनामा कर लिया? अम्मा ये आंटी ने लगाई है। अच्छा, आंटी कहाँ से थी वो बेचारी? हैं, आंटी ने लगाई, मेरी बेटी ने दवाई बनाई, उन्होंने मीठी मीठी थी क्या दवाई? पी नहीं रही भाई, बोलो ये कतरे नहीं, उसका टेस्ट चेंज हो रहा था ना, इस वजह से उसके टेस्ट चेंज होने की वजह से नहीं पी रही थी वो। और अभी यहाँ पर रखा हुआ है मैंने आटा। नाश्ता वैसे सब कर चुके हैं, मतलब मेरे ससुर कर चुके हैं और मैं रखती हूँ। और हाँ, मैंने बोला है अभी हमने कमरे में बोल रहे थे, जाते हैं वहाँ लेने के लिए दूध। दूध ख़त्म हो गया है ना, तो इसलिए चाय के लिए दूध भी मंगवाना है। और आटा मैंने अभी गूंदने के लिए रखा हुआ था, तो गूंद अभी 15 मिनट के रेस्ट पे था आटा ना, तो अब मैं उसको गूंद लूँ। कि वैसे मैंने सुबह मेरे पास 3 पराठों का आटा था, तो मैंने उसने अब्बू को नाश्ता दे दिया था। तो अब जो बचे हैं मैं उसमें जो है ना थोड़ा सा और पराठे डाल के बनाऊंगी। अभी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मेरा गला सही से ठीक नहीं हुआ है और खांसी नज़ला बहुत है। आप लोग को आवाज़ आ रही होगी सुड़ सुड़ की मेरी, तो इस वजह से आयशा के बाबा बैठे हुए हैं। आशु क्या बना रहे हैं काका? चूचू अंक भी उसकी बनानी है। अंक हाथ भी उसके बनाए, चूचू की आंख नाक हाथ सब बनाने भाई। हाँ। और पाँव? हाँ। दुम भी आ गई उसकी। अच्छा नहीं। ना, ना। आयशा आप पोलियो के कतरे नहीं पीना थे क्या आपको? क्यों, अच्छे नहीं होते क्या वो? कैसे लग रहे थे आपको? लाइट बंद कर दें भाई इसकी। और अभी मैं आयशा को खिलाने लगी हूँ एग फ्राई, चूँकि आयशा शौक से एग फ्राई खाती है, एग बॉयल नहीं खाती। जी गाइस, तो शाम का टाइम है और आयशा सो गई है। आयशा की डेली रूटीन है कि आयशा अपने टाइम पे सो जाती है। और साथ ही साथ मैं आयशा के कपड़े भी धो रही हूँ। जी गाइस, तो बस अभी मैंने किया है फ्रिज को साफ और फ्रिज साफ कर रही हूँ। फिर अभी बनाऊँगी मैं चने की दाल। तो चने की दाल मैंने निकाल के रखी है और आयशा अभी तक सो रही हैं। जी गाइस, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल सोया। चने की दाल तो मैंने भिगो दी है और ये है हरी मिर्च और सोया। तो अब मैं जो है फ़िलहाल इनको धो के काट लूँगी।
जी फ्रेंड्स, तो मैंने चने की दाल उबालने के लिए रख दी है। चने की दाल उबल जाएगी तो फिर उसके बाद मैं जो है बघार बनाऊंगी। बघार की रेसिपी ये है कि पहले हम ऑयल डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद उनको थोड़ा सा काला कर लेंगे, और थोड़ा सा हल्का सा काला हो जाएगा तो फिर उसके अंदर हम जो है ना ये हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में उसके अंदर वही डाल देंगे नमक और हल्दी। मिर्चें हमें नहीं डालनी, मिर्चें हमने इसीलिए ये वाली ज़्यादा काटी है कि हमें इसी मतलब हरे मसाले का ही रखना है सब कुछ। फिर हरी मिर्च डाल के हम इसके अंदर ये साथ में सोया भी डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम उसको भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद जब ये थोड़ा सा अपना फ्लेवर छोड़ देगा सोया, तो फिर उसके बाद हम जो है इसके अंदर साथ में चने की दाल ऐड कर देंगे। बॉयल हुई हुई चने की दाल जब ऐड हो जाएगी तो फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे कि आपको जितना पैसे पानी रखना है जितनी लूज़ रखनी है उतनी रख सकते हैं, और नहीं लूज़ रखनी तो आप थोड़े से उसको वैसे ही रख लेंगे बगैर पानी वाली जो है ना आप खाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना लूज़ नहीं रखती हूँ, पर मेरी थोड़ी सी दाल जो है ज़्यादा होती है और उसके अंदर जो है पानी कम होता है, तो इसलिए मेरी दाल ऐसी बनती है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा ज़रूर, बघारी की दाल मतलब हरे मसाले की दाल होती है ये, सोए वाली चने की दाल, तो ये बहुत मज़े की बनती है जी गाइस। तो चने की दाल मेरी बन गई थी जो है, साथ में रोटियां भी मैं डाल चुकी थी। ये लोग तो सब खा चुके हैं, मतलब कि मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया, बस मैं रहती हूँ तो बस अभी मैं खा रही हूँ खाना। और जो है आयशा को आप लोग को दिखाती हूँ कि आयशा क्या कर रही है। आशु आशु इधर देखिए, आशु इधर देखिए, हाय बोलिए आशु, आशु इधर देखिए, किसकी बेटी हैं आप किसकी बेटी हैं, किसकी बेटी हैं आप? ब्यूटीफुल अम्मा, ब्यूटीफुल लग रही हैं आप, इतने प्यारे कपड़े पहने हैं आपने, फूल फूल वाले। चल ये जिंदगी, चलो कैटी देखते हैं, चलो कैटी देखिए, फिर क्या देखोगे आप? शीशे में खड़ो के बात तो कर लो, कैसे करते हैं शीशे में खड़ो के? बाबा के सर में दर्द, बाबा मम्मा वीडियो बना रही हैं आपकी, देखिए। आ हाँ, इतनी प्यारी लग रही है ना ये बच्ची, जल्दी आओ कहीं जाना है। चलो मम्मा बोलो, आप कहाँ पार्क जाना है, जाओ मम्मा को बोलो जल्दी से बोलो जी। अच्छा ओके, आयशा जो है हॉर्स पे बैठी हुई है, हॉर्स तो नहीं है कि हाथी बना हुआ है। आयशा पीछे नहीं हुई है, अब गिर जाएंगी। आयशा अब घर चले,
जी तो बस मैं अभी आई हूँ आयशा को लेके प्ले एरिया में। आयशा जब तक यहाँ पे नहीं आती है आयशा को मज़ा नहीं आता है। आयशा डेली बाहर कहीं ना कहीं जाती है, तो जंपिंग कैसल में या तो यहाँ आती हैं। आशु वापस आइए आशु। जी आयशा यहाँ पे बहुत इन्जॉय करती हैं, इतनी सारी बॉल्स यहाँ पे हैं और बच्चे भी यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं और ये बिल्कुल हमारे घर के सामने ही हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है तो हम लोग आसानी से आ भी जाते हैं यहाँ पे। और अभी ये देखा आयशा स्लाइड पे चढ़ रही हैं। बैठो ऐसे साइड पर होकर बैठिए, हाथ पकड़ो मेरा, बीच में आइए। चलेंगे बैठो बैठिए बैठो आराम से बैठो। आयशा आगे देखिए। बस अम्मा बस आपको ये आयशा के पापा खड़े हुए हैं और आयशा खेल रही हैं। अम्मा उधर जाइए, अम्मा उधर बॉल लेकर आइए। आयशा ये देखिए बड़ी वाली बॉल आ गई। जी गाइस तो बस फिर मैं करती हूँ अपना व्लॉग को एंड और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम लोग कल के व्लॉग में। मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़रूर शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। आयशा 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 बाय बाय बोलिए, इधर देखिए बोलिए। आयशा देखिए कहाँ घुस गई हैं अंदर बॉल्स में। आशु बाय बोलिए, इधर देखिए बोलिए। आशु इधर देखिए बोलिए। बाय जी तो मैं आपको अपना ब्लॉग कर रही हूँ एंड अपना बहुत सारा बहुत बहुत सारा